Hope dear students that you are fine and are preparing for NEET examination. So I'm an organic chemistry expert. Today we will have a look on some organic conversions, particularly from the hydrocarbon unit, just alkanes. So at the end of this video, I'm giving you 40 organic conversion reactions. Job description link mein dekh sakte hain. So now let's start. फर्स्ट रिएक्शन जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ द सबेटियर सेंडरेंस रिएक्शन. दैट सिंपली अगर हमारे पास अल्कीन है या अगर आपके पास अल्काइन है, इनको अगर हम रिडक्शन करवाएंगे सिंपली हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. कैटलिस्ट जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट इज सिंपली निकल, प्लैडियम और प्लैटिनम. तो चाहे अल्कीन हो या आपका अल्काइन हो, किस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे? अल्कैन के अंदर. पहले ये जो अल्कीन आपके पास है, अल्कीन फर्स्ट अनगोज रिडक्शन इनटू अल्काइन जो है अल्कीन में पहले कन्वर्ट होगा, फिर अल्कीन की फर्दर रिडक्शन होगी, सो यू विल गेट द अल्कैन. ये इथाइन है तो आपको फाइनली मिलेगा इथेन, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. दिस इज कॉल्ड द सबेटियर सेंडरेंस रिएक्शन. पर इसके हाँ लिमिटेशन ये है दैट मीथेन हम प्रिपेयर नहीं कर सकते. लेट्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द वर्ड्स रिएक्शन. वर्ट्स रिएक्शन में क्या किया जाता है? आपका अल्काइल हैलाइड जो है, लेट्स से मिथाइल क्लोराइड, इट्स ट्रीटेड विद सोडियम. तो यहाँ पे एक्चुअली दो मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के जो है, दे विल रिएक्ट विद दिस सोडियम मेटल. तो सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेंगे टू मॉलिक्यूल एंड यू विल गेट द इथेन एज अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे दैट वर्ट्स रिएक्शन जो है, इसकी लिमिटेशन भी है दैट मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो इट्स ऑनली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल अल्काइन्स. सिमेट्रिकल अल्काइन्स यहाँ पे हम बना सकते हैं. तो अगर आपके पास दो अल्काइल हैलाइड्स के बदले एक अल्काइल हैलाइड होगा, एक अल्काइल हैलाइड है और दूसरा आपके पास है एराइल हैलाइड, है ना, तो वो भी आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं. लेट्स से दिस इज क्लोरोबेंजीन. पर तब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इट विल बी जस्ट लाइक दिस टॉलवीन, है ना. बेंजीन के ऊपर मिथाइल बेंजीन भी इसको आप कह सकते हैं. So this is called the Wurtz fitting reaction. Similarly, we can also have a fitting reaction. Fitting reaction में simply दोनों aryl halides होते हैं, जैसे benzene के ऊपर chlorine है, sodium के साथ treat करेंगे तो यहाँ पर भी same two twice and finally जो product आपको मिलेगा that will be this one, two benzene rings they will get attached with each other. This is called the fitting reaction. तो Wurtz reaction ये आप यहाँ पर याद रखेंगे. फिटिंग रिएक्शन सिमिलरली वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन सिमिलरली देयर इज अनदर उलमैन्स रिएक्शन, वो भी आप याद रख सकते हैं. तो वहाँ पे भी एराइल हैलाइड्स ही हम लेते हैं. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द कोरीहाउस रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. उसमें हम लेते हैं डाई अल्काइल कॉपर लिथियम और इसको अगर हम ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, लेट्स सी मिथाइल ब्रोमाइड, तब यहाँ पे भी आपको क्या क्या मिलेगा? अल्काइन ही मिलेगा. देखो यहाँ से एक अल्काइल दैट्स दिस मीथाइल और यहाँ से अनदर अल्काइल दैट्स अनदर मीथाइल, सो इथेन विल बी फाइनल प्रोडक्ट, मैन प्रोडक्ट. तो इसके साथ बाय प्रोडक्ट जो बनेंगे दैट विल बी अल्काइल दैट्स मीथाइल कॉपर एंड यू विल गेट हियर द लिथियम ब्रोमाइड. दिस इज द कोरीहाउस रिएक्शन. तो ये यहाँ पे आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट हम सिंपली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो देखने जा रहे हैं दैट इज़ क्लेमेंसेंस रिडक्शन. अगर हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन है, लेट्स से वी आर हैविंग CH3CHO, दिस इज़ द अल्डिहाइड, या लेट्स से वी आर हैविंग दिस कीटोन CH3C डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, इन दोनों को रिडक्शन हम करवा सकते हैं. कैसे करवाएंगे रिडक्शन? हाँ, क्लेमेंसेंस रिडक्शन दैट इज जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वट यू विल गेट? सिंपली यहाँ पे अल्कैन ही मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. और सिमिलरली यहाँ पे भी एक्चुअली आप सिंपली याद रख सकते हैं ये जो C डबल बॉन्ड O है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप. बस डायरेक्ट शॉर्ट में याद रखना है दैट व्हेन एवर एल्डिहाइड और कीटोन इट्स ट्रीटेड विद दिस जिंक अमलगम HCl इन एसिडिक मीडियम सो वी गेट द अल्कैन. सिमिलरली इन एल्डिहाइड्स कीटोन्स को हम ट्रीट कर सकते हैं किसके साथ? हाइड्रोजीन के साथ, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. प्रोडक्ट विल बी सेम,
यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स वही मिलेंगे, एल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्काइन, कीटोन इनटू अल्काइन. तो यहाँ पे जैसे इथेन एंड दिस इज़ द प्रोपेन. सो दिस इज, बट दिस इज़ नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन, दिस इज़ नोन एज वोल्फ किशनर रिडक्शन, दिस वन इज़ नोन एज वोल्फ किशनर रिडक्शन. तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे. नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं दैट अल्काइल हैलाइड्स को हम डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अल्काइन बहुत सारे तरीकों से. फॉर एग्जांपल ये मिथाइल क्लोराइड है, अल्काइल हैलाइड है. तो एक क्या आप कर सकते हैं सिंपली नेसेंट हाइड्रोजन फ्रॉम एनी रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करेंगे जो नेसेंट हाइड्रोजन दे सकते हैं. जैसे क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली यू कैन यूज़ जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं सोडियम इथेनॉल. ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अल्काइन. नाउ नेक्स्ट आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं सिंपली बाय पासिंग द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. तो ये भी इसी मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप हाइड्रो आयोडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोर्स भी यूज़ कर रहे हैं तब भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइन में. तो ये आप रिडक्शन याद रख सकते हैं दैट अल्काइन कैन बी, अल्काइल हैलाइड कैन बी रिड्यूस टू अल्काइन. नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज़ अगर आपके पास ग्रिग्नॉर रिएजेंट है और MgX, इसको आप वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये आपको देगा अल्काइन यहाँ पे भी, और वी विल गेट द बाई प्रोडक्ट दैट इज़ हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड. वाटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H2H. तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है विच अटैच टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. तो ये जो OH है इसके बदले में अगर मैं Z लिखूँगा और ये इसके साथ H, तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं. ये वाटर ही ज़रूरी नहीं है, वाटर के साथ ही अल्काइन मिलेगा. नो, नाउ दिस कंपाउंड कैन बी एनीवन, जस्ट इट कैन बी मिथेनॉल CH3OH. यहाँ पे भी आपका ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है तो यही हाइड्रोजन इस R के साथ आएगा तो अल्काइन बन जाएगा, और यहाँ पे OH के बदले आएगा OCH3. सिंपल. सिमिलरली अगर आपके पास है CH3COH, यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्काइन मिलेगा आपको. सिमिलरली अगर आपके पास है अमोनिया NH3, तो यहाँ पे भी HNH2 है ना. सिमिलरली या आप कोई भी अमाइन ले सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, यू कैन टेक द सेकेंडरी अमाइन, सो एटसेट्रा. फिनॉल है आपके पास, इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं OH दिस वन. तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ग्रिग्नॉर्स रिएजेंट से भी अल्काइन आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर आपके पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है और COH, इसको आप ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सो क्या मिलने वाला है, इसका साल्ट यहाँ पे मिलेगा RCONA, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट. अगर ये यहाँ पे मिथाइल है तो सोडियम एसिटेट. ना इस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट के साथ अगर हम फर्दर क्या ट्रीट करेंगे, सोडा लाइम दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड सम हीट, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, अल्काइन मिलेगा, दैट्स RH, पूरा सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे भी अल्काइन हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडा लाइम के साथ, वी विल गेट द अल्काइन. सिमिलरली कॉल्बीज़ इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है CH3COH, सो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा अल्काइन, बट दैट अल्काइन विल बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हायर मेंबर, है ना, कार्बन. एक्चुअली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पहले CH3CO नेगेटिव आयन है ना इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान H पॉजिटिव. सिमिलरली वाटर विल आयोनाइज एज OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो ये जाएंगे कैथोड पे, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और एनोड पे इट विल प्रेफर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है OH नेगेटिव से. तो यहाँ पे पहले मिलेगा आपको CH3CO अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के बाद इसके दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके इथेन बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकलेगा, कॉल्बीज़ इलेक्ट्रोलिसिस. नेक्स्ट इसमें आप याद रख सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्मोनियम कार्बाइड दैट इज़ AL4C3. अल्मोनियम कार्बाइड जो है
अगर इसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट द मीथेन, यू विल गेट द अल्केन मीथेन हियर. ओके लेट्स सी फॉर एग्जांपल ये आपके पास हाँ मीथेन ही यहाँ पे मिलेगा. बैलेंस आप खुद कर सकते हैं थ्राइस एंड यू विल गेट द अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज द अल्मोनियम कार्बाइड. सिमिलरली बेरिलियम कार्बाइड दैट्स Be2C हाइड्रोलिस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा मीथेन. यू विल गेट द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड. ऐसे कर बैलेंस आप खुद कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 4 times है फिर हाइड्रोजन आप खुद बैलेंस ही कर सकते हैं. तो ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन्स. अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन अल्केन्स दे प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन. जैसे अगर क्लोरीनेशन है ना हैलोजिनेशन फर्स्ट देखेंगे हम. हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यू विल गेट द मिथाइल क्लोराइड. सो मिथाइल क्लोराइड के फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है. इट विल फॉर्म डाइक्लोरोमीथेन देन ट्राइक्लोरोमीथेन टेट्राक्लोरोमीथेन. यहाँ पे सिमिलरली ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन स्लो होता है. सिमिलरली यहाँ पे आप याद रखेंगे आयोडिनेशन भी पॉसिबल है. आयोडिनेशन पर वहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर ये CH4 है आयोडीन का आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको CH3I एंड HI. बट HI इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ये फर्दर इसको क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है बैक. तो रिवर्सिबल रिएक्शन है. इसको रिवर्सिबल से बचाने के लिए वी यूज़ हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. तो ये आप सब सब्स्टिट्यूशन में याद रख सकते हैं. सिमिलरली फ्लोरिनेशन भी पॉसिबल है. दैट्स कॉल्ड द स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3CH2 लेट्स से Br. इसको आप सिंपली यूज़ करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे विद मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ HGF2 के साथ. तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा CH3CH2 एंड यू विल गेट हियर F. बाकी ये जो है मर्करी ये ब्रोमीन को बाहर निकालेगा. HGBr2 बैलेंस करने के लिए ट्वाइस. सो दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन. ये आप सब्स्टिट्यूशन में याद रखेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट जो है दैट इज अल्केन्स अर्गो ऑक्सीडेशन. तो सिंपली आप याद रखेंगे अगर अल्केन्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कंप्लीट कंबस्टन पे आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट वी हैव सम हाँ अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन करेंगे, इनकम्प्लीट कंबस्टन पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर. और अगर सम कंट्रोलर ऑक्सीडेशन हम करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब्स का यूज़ करेंगे एट हाई प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू विल गेट हियर देन अल्कोहल मेथनॉल. सिमिलरली अगर आप मीथेन के ऑक्सीडेशन करवाएं प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड दैट्स MO और वी कैन से MO2O3, तब यहाँ पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड. सबको प्रोडक्ट याद रखने हैं कन्वर्शन के लिए. बैलेंसिंग यहाँ पे मस्ट नहीं है पर आप कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपके पास अल्केन है, इसकी आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ मैगनीज एसिटेट CH3CO2 MN, तब यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट अगर आपके पास है टर्शरी कार्बन पे हाइड्रोजन है, जैसे अगर ये है आपके पास दिस वन अल्केन हैविंग इट्स एक्चुअली 2-methyl प्रोपेन है आपके पास और यहाँ पे हाइड्रोजन इज अटैच टू द टर्शरी कार्बन, वही मैं बता रहा हूँ. तो इसकी भी आप क्या कर सकते हैं, हाँ इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4. यही ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन. पर हाँ यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू अल्कोहल. बट यू विल यूजुअली रिमेंबर दैट अल्केन्स जो होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाई दीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट. पर यहाँ पे दिस अगर टर्शरी कार्बन पे हाइड्रोजन है देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. नेक्स्ट यहाँ पे अल्केन्स में आप याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है ब्यूटेन, इट्स एन ब्यूटेन. सो थोड़ा सा हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड
तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट इस आइसोमर, दैट इज टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा. दिस कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन. सिमिलर एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस इज़ यू आर एन हेक्सेन और इसको आप हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मोलिब्डेनम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, इनके ऑक्साइड जैसे मोलिब्डेनम Mo2O3, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एरोमेटिक कंपाउंड दैट्स योर बेंजीन, 6-membered रिंग बेंजीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये रिएक्शंस जो हैं अल्किन्स के आप याद रख सकते हैं. सो लेट्स हैव दिस मच इन दिस पार्ट फर्स्ट. वी विल कंटिन्यू इन द सेकेंड पार्ट अल्किन्स एंड देन अल्काइन्स एंड देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. बट यू आर गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसमें आप देख सकते हैं देर आर नियरली 40 ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स जिन पे आप ट्राई करेंगे. आपको खुद आना चाहिए, वो ऑलरेडी सॉल्वड है, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑन योर ओन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.